नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 24 फरवरी 2018 के करंट अफेयर्स पे। तो देखते हैं आज 24 फरवरी को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर में जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे करेंट अफेयर का पार्ट हैं। इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स और जीएस का ऑटोमेटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन में प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करके व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इस करंट अफेयर सेशन से लाभान्वित हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर कनाडा भारत व्यापार मंच की दूसरी बैठक आयोजित की गई? तो यह स्थान है नई दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में कनाडा भारत व्यापार मंच की दूसरी बैठक आयोजित की गई है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो कि भारत की यात्रा पर आए हुए हैं वर्तमान में, इन्होंने इस बैठक में भाग लिया है। अब बात करते हैं कनाडा के फैक्ट की। देखिए कनाडा की राजधानी है ओटावा और कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। तो आप याद रखिए कि कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा की करेंसी यानी कि मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि कनाडा भारत व्यापार मंच की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र के बीच कार्यक्रम आधारित अनुसंधान सहायता यानी कि प्रोग्राम बेस्ड रिसर्च सपोर्ट शुरू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस देश का नाम है कनाडा। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत सरकार ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र के बीच कार्यक्रम आधारित अनुसंधान सहायता यानी कि प्रोग्राम बेस्ड रिसर्च सपोर्ट शुरू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिनेता कमल हासन ने अपने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की है? तो इस राजनीतिक दल का नाम है मक्कल निधि मय्यम और ये इस बार के सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में अभिनेता कमल हासन ने अपने एक राजनीतिक दल की शुरुआत की है जिसका नाम है मक्कल निधि मय्यम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस स्वदेश निर्मित हल्के परिवहन विमान का दूसरी बार सफल परीक्षण किया गया? तो इस विमान का नाम है सारस। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में सारस नामक स्वदेश निर्मित हल्के परिवहन विमान का सफल परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण दूसरी बार हुआ है और पहला परीक्षण जो हुआ था ये हुआ था जनवरी में। और मेक इन इंडिया के तहत विमान के उत्पादन का मॉडल डिजाइन जो है इस साल जून जुलाई में बनकर तैयार हो जाएगा और इस विमान यानी कि सारस की डिजाइन और विकास का काम CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के जिम्मे है और यह विमान जो है 14 सीटों की बजाय 19 सीटों वाला होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवर्तन नामक योजना शुरू की है? तो ये राज्य सरकार है हरियाणा सरकार। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवर्तन नामक एक नई योजना को स्टार्ट किया है और हरियाणा सरकार जो है इसने राज्य के 46 विकासशील ब्लॉकों में इस योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत कृषि को लाभदायक और टिकाऊ बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने, स्वच्छ भारत का कार्यान्वयन करने, बाजार क्षेत्रों को कम करने, युवाओं को शामिल करने, वायु प्रदूषण की जांच करने, पहचान संबंधी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रभावी पुलिस व्यवस्था को सुनिश्चित करने और सड़क व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात करते हैं हरियाणा की। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा के CM यानी कि चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी। लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने राज्य में परिवर्तन नामक एक नई योजना को स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2018 में किस राज्य में इजराइल की विशेषज्ञता के सहयोग से कृषि के लिए एक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो यह राज्य है मिजोरम। तो आपको याद रखना है कि मिजोरम में इजराइल की विशेषज्ञता के सहयोग से कृषि के लिए एक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा और यह भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इजराइल की सरकार और मिजोरम की राज्य सरकार के त्रिपक्षीय सहयोग के साथ स्थापित किया गया है और विशेष रूप से खट्टे फल के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किया गया है। यानी कि ये जो कृषि का केंद्र स्थापित हुआ है मिजोरम में इजराइल की विशेषज्ञता के सहयोग से, ये जो है खट्टे फल के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किया गया है और इसको भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इजराइल की सरकार और मिजोरम की राज्य सरकार के त्रिपक्षीय सहयोग से स्थापित किया गया है।
और एक और मुख्य बात आपको याद रखना है कि यह कृषि केंद्र जो है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का भारत का पहला ऐसा केंद्र होगा जो इसराइल के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। अब बात करते हैं मिजोरम के फैक्ट। देखिए, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल थानाहवाला और मिजोरम के गवर्नर हैं निर्भय शर्मा। और इसराइल की राजधानी है जेरूसलम और इसराइल की मुद्रा है इसराइली न्यू सेकेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में खराब ऋणों में वर्गीकरण, धोखाधड़ियों की बढ़ती घटनाओं और लेखा परीक्षाओं की प्रभावशीलता से संबंधित कई मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो ये व्यक्ति है वाई एच मालेगाम। तो आपको याद रखना है कि वाई एच मालेगाम की अध्यक्षता में हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने खराब ऋणों के वर्गीकरण, धोखाधड़ियों की बढ़ती घटनाओं और लेखा परीक्षाओं की प्रभावशीलता से संबंधित कई मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं उर्जित पटेल। और एक और मुख्य बात आपको याद रखनी कि उर्जित पटेल जो हैं ये 24वें गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। और एक प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि उर्जित पटेल किस क्रम के गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर की। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम एस अनंथा रमण का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक वायलिन वादक थे और ये पारूर शैली में निपुण थे। तो देखिए, पारूर शैली क्या होती है ये मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं संगीत का विशेषज्ञ नहीं हूँ, आप जानते ही हैं। बस देखिए, आपको इतना ही फोकस करना है कि एम एस अनंथा रमण जो है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये एक वायलिन वादक थे। क्योंकि एग्जाम में आपसे बस सीधे सीधे यही प्रश्न पूछेगा कि एम एस अनंथा रमण किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पे, वायलिन वादक, तबला वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए चार ऑप्शन दे देता है। तो आप याद रखिएगा कि एम एस अनंथा रमण एक वायलिन वादक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार में भागलपुर और गया शहरों में पानी की आपूर्ति में सुधार और विस्तार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन के लिए एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो टोटल 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया है भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार में भागलपुर और गया शहरों में पानी की आपूर्ति में सुधार और विस्तार के लिए 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया है। और ये ऋण जो है इसकी अवधि होगी 25 साल, ठीक है, यानी कि 25 साल के लिए ये ऋण मिला है और जिसमें 5 साल की रियायत अवधि शामिल है। अब बात करते हैं ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की। देखिए, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं ताके हिको नकाओ। तो आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में देखिए ADB का मुख्यालय कई बार पूछा गया, तो आप देखिए फोकस कीजिएगा, याद रखिएगा कि ADB का हेडक्वार्टर यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं ताके हिको नकाओ। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम ने कौन सी दो बीमा कंपनियों को लॉन्च किया है? तो ये दोनों बीमा कंपनियां हैं पेटीएम लाइफ इंश्योरेंस और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। तो आप याद रखिएगा कि पेटीएम ने हाल ही में दो बीमा कंपनियों को लॉन्च किया है और इन दोनों का नाम है पेटीएम लाइफ इंश्योरेंस और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। तो देखिए, जो बैंकिंग के एग्जाम है मोस्टली उनमें ही इसका नाम पूछा जाएगा, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं पेटीएम की। देखिए, पेटीएम के फाउंडर यानी कि संस्थापक है विजय शेखर शर्मा और पेटीएम का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है नोएडा में। तो देखिए, आपको याद रखना है कि पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है और इसका मुख्यालय नोएडा में है। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि पेटीएम ने हाल ही में दो बीमा कंपनियों को लॉन्च किया जिनका नाम है पेटीएम लाइफ इंश्योरेंस और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राज्य पोषण मिशन की सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे कुपोषित हैं? तो टोटल 54 लाख बच्चे कुपोषित हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं आजमगढ़ में, यहाँ पे 61.7% बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं। और दूसरे नंबर पे शाहजहांपुर है, यहाँ पे 54.3% बच्चे कुपोषित हैं। और तीसरे नंबर पे बदायूं है जहाँ पे 53.6% बच्चे कुपोषित हैं। और चौथे नंबर पे कौशाम्बी है, यहाँ पे 52.8% बच्चे कुपोषित हैं। और पाँचवें स्थान पे जौनपुर है, यहाँ पे 52.7% बच्चे कुपोषित हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है, सबसे पहले याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में
राज्य पोषण मिशन के सर्वे के अनुसार जो है 54 लाख बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं ये कुपोषित हैं। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की संख्या है आजमगढ़ में, यहाँ पे 61.7% बच्चे कुपोषित हैं। तो देखिए ये UPSC के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश के जितने भी परीक्षाएं हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला जो है यहाँ पे 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो कुपोषित हैं इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 61.7% बच्चे कुपोषित हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नाईक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने 2000 पोर्टेबल पेट्रोल पंप खोलने की घोषणा की है? तो ये प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चेक गणराज्य के एलिंज कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए अभी हाल ही में यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ है और यहीं पे उत्तर प्रदेश सरकार ने चेक गणराज्य के एलिंज कंपनी के साथ समझौता किया है और एलिंज कंपनी जो है ये सहायता करेगी उत्तर प्रदेश में 2000 पोर्टेबल पेट्रोल पंप खोलने में। तो देखिए जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं और गांव में रहते हैं अब उनके लिए खुशखबरी है, अब उनको पेट्रोल भरवाने के लिए दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, अब उनके गांव के साइड में यानी कि गांव के अगल बगल में ही उनको पोर्टेबल पेट्रोल पंप मिल जाएंगे जो कि चलते फिरते पेट्रोल पंप होंगे और वहां पे जाके वो पेट्रोल ले सकते हैं, ठीक है। और ये पेट्रोल उनको उसी रेट पे मिलेगा जो अन्य जगहों पे मिलेगा। तो आज का करेंट अफेयर सेशन ही समाप्त होता है, कल मैं फिर आपके लिए डेली करेंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। आपका काम है वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।